हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस्तकबाल है मम्स फूड डायरी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ धोड़ी फिश, यानी कि फिश की करी कोंकण स्टाइल में। कैसे बनाते हैं पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फिश की करी आज मैं आपको सिखाऊंगा, तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऊपर दिए गए लिंक से या डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन के पेज से कीजिए, ताकि मैं और अच्छी बेहतरीन रेसिपीज आप तक लाता रहूँ। दोस्तों और मेरे दूसरे रेसिपीज भी चेकआउट कीजिएगा, और इस रेसिपी के पूरे इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमारी फ़िश है जो हमने उसको पीसीस करके रखे हैं। इसका ये करी में हम यूज़ करेंगे। दोस्तों हमने धोड़ी फिश ली है, यानी कि वो फिश हाफ के जी हमने ली है। एक बड़ी प्याज हमने काट के लिए हैं, एक लहसुन का गुच्छा लिया है हमने, लाल मिर्च पाउडर 3 यानी कि 3.5 टेबल स्पून होगा, धनिया पाउडर इसमें लगेगा 1 टेबल स्पून, हल्दी आधा स्पून, नमक स्वाद अनुसार, आधा नारियल जो होता है हमने खिसके लिया है, और हरी मिर्च 50 ग्राम। दोस्तों मैं जो आपको इंग्रेडिएंट्स बोल रहा हूँ तो ये एग्जैक्टली क्वांटिटी उसी के हिसाब से ली गई है। तो हम क्या करेंगे, हम मिक्सर जार में जो किसा हुआ नारियल है, लाल मिर्च, धनिया पाउडर सब डाल लेंगे। तो हमने मिक्सर जार में नारियल किसा हुआ डाल लिया है, लाल मिर्च डाल लिया है, लहसुन डाल लिया है, और बाद में हमने जो लहसुन में डाल रहा है और आधा कप पानी डालेंगे हम इसमें, और उसको बहुत बारीक पीसना है। उसमें हमने पानी ऐड कर लिया है, अभी हम इसको बहुत बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, पीसने के बाद हम इसमें जो हमारी प्याज जो है कटी हुई वो डाल के फिर से और थोड़ा पीस लेंगे उसको। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल ही तैयार है मछली का। दोस्तों ये कोंकण स्टाइल में, यानी कि जो फिश करी होती है एग्जैक्टली जो मछली नारियल की, तो ये उस टाइप में बनाई गई है। बहुत ही टेस्टी और लजीज बनती है ये, इसको इसके तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने नमक भी ऐड कर लिया उसमें। ये देखिए हमने पूरा जो पतीले में मसाला ऐड कर लिया, नीचे स्टोव पर रख दिया है, पूरी आँच पर रखिएगा स्टोव पर। और अब हमने पानी भी हमको डालना है जितना फिश, यानी कि जितना मछली को लगेगा। दोस्तों ये अब हमने डाल दिया है जो आमचूर, यानी कि जो आम ड्राइड मैंगो रहता है वो, या तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। 4 से 5 पीस डाले हैं हमने, जो इसको खट्टा बोलते हैं। और ये हमारी मिर्ची, मिर्ची को हमने ऐसे बीच में से ऐसे कट कर लिया है, और ये पूरी की पूरी जब जाएगी इस मछली का सालन जो है फिश करी में जाएगी पूरी, तो इसे एक खुशबू आ जाती है मछली में, मछली के सालन में। ये देखिए हमने ऐसे तरह इसको मिक्स कर लिया है, अभी उबलने लगेगा तब हम उसमें फिश ऐड करेंगे। दोस्तों ये हरी मिर्च हमने डाली थी इसके पहले, अभी हमने मछली ऐड कर ली है पूरा उसमें। जब उबल रहा होता है तभी हम डालेंगे, क्योंकि मसाला पक चुका होता है, अब इस टाइम पर हमको मछली पकने का वेट करना है अभी। दोस्तों ये मच्छी बहुत ही अच्छी होती है, इसमें बहुत सारा फ्लैश, यानी कि इसमें मच्छी में गोश्त होता है। इसको हमने अभी बंद करके 5 मिनट तक पकाया है, इसमें कांटे नहीं होते हैं। ये देखिए उबल रहा है, मतलब ये पूरी पक चुकी है मछली भी। ये देखिए हमारी मछली पक चुकी है, अब हम इसको नीचे उतारेंगे। दोस्तों नीचे उतारने के बाद 5 मिनट तक ढक के रखिएगा, इससे और टेस्टी होता है सालन। ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। दोस्तों ये जो धोड़ी फिश होती है ये बहुत ही, इसमें कांटे बहुत कम होते हैं लेकिन थोड़ा फीकी होती है मछली, तो इसलिए हम इस सालन में झींगा जो होता है, यानी कि प्राउन, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो पूरा बैलेंस करता है। तो ये हमारी करी बिल्कुल ही तैयार है फिश की, धोड़ी फिश करी। ये देखिए गर्मा गर्म। दोस्तों ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो मैंने आपको रेसिपी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं इस तरीके से, बहुत ही टेस्टी और लजीज बनती है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे कम सुझाव भी दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।